कोरोना महामारी के चलते लंबे समय से बंद पड़े स्कूल आज 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए खोल दिए गए हैं। फिलहाल अभिभावकों की सहमति से 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी ही विद्यालय आ सकते हैं। करनाल की राजकीय कन्या मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि सरकार की तरफ से यह आदेश है कि 50% बच्चे एक दिन और बाकी बच्चे अगले दिन स्कूल में आएंगे। उन्होंने कहा कि विद्यालय के द्वार पर ही बच्चों के प्रवेश करते ही उनके तापमान की जाँच, सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था की गई है। हमें हिदायत दी गई है प्रशासन की तरफ से, उन हिदायतों का पूरी तरह से पालन करके जो है कक्षाएं आरंभ करने का प्रयास जो है आज से शुरू है। तो हम प्रयास करेंगे कि एक दो दिन में संख्या जो है वो पूरी हो जाए। हाँ, सभी प्रकार की जो भी आदेश विभाग की तरफ से आए हैं वो मेन गेट के ऊपर ही सैनिटाइजर और टेम्परेचर जो उनका नोट किया जा रहा है। क्लास के वाइज सेक्शन के अनुसार प्रत्येक बच्चे के उसमें नाम के आगे जो है डेट वाइज जो है टेम्परेचर वो एक रजिस्टर एक सेक्शन का अलग से मेंटेन कर दिया है, जिसमें पूरा का पूरा जो है रिकॉर्ड उसमें अवेलेबल रहेगा। आज फर्स्ट डे है कि बच्चों के स्कूल खुले हैं, 9 to 12 के बच्चे हमारे पास आए हैं और इनको जो है प्रॉपर हरियाणा सरकार के द्वारा जो SOP निर्धारित की गई है उसी के अकॉर्डिंगली बच्चों को स्कूल में हमने अंदर बुलाया है। सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए बच्चों ने कहा कि घर पर पढ़ाई अच्छे ढंग से नहीं हो पाती थी और ऑनलाइन पढ़ाई में इंटरनेट संबंधी समस्याओं के कारण भी उन्हें काफ़ी परेशानी होती थी, परंतु अब वे स्कूल जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे और अध्यापकों से अपनी सभी शिक्षा संबंधी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। पहले से जो हमें समझ में नहीं आ रहा था, हमें टीचर्स का जो बहुत अच्छे से समझ आ रहा था, हमें नेट की प्रॉब्लम भी थी, रेंज भी नहीं थी, जिस वजह से हमें प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। अब स्कूल में आगे हम प्रॉपर पढ़ाई कर पाएंगे और समझ पाएंगे। स्कूल आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। पहले कोरोना की वजह से अच्छी तरह पढ़ाई नहीं हो रही थी, किसी के पास फ़ोन अवेलेबल नहीं था और नेट की भी बहुत प्रॉब्लम होती है, नेट नहीं होता, कभी किसी के पास फ़ोन नहीं होता, मम्मा पापा ले जाते हैं, तो स्कूल में आके अच्छा लग रहा है। तो स्कूल खुलने से काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि ऑनलाइन में काफ़ी लोग होते हैं जो कि उन्हें काफ़ी समस्या आती है कि कोई फ़ोन खरीद नहीं सकता या उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं होती कि वो पढ़ाई लिखाई इतना अच्छे से कर सके ऑनलाइन, तो स्कूल खुले तो ज़्यादा अच्छे से समझ आता है।